नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर धुन लेकर के आया हूँ, म्यूजिक धुन। इस धुन को आप स्टेज पर बजा सकते हैं, 2 मिनट के लिए मंच पर बजाएं, या आप भजनों के बीच में, अक्सर कर आप भजन गाते ही होंगे तो उसके बीच में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप बीच का म्यूजिक बजा सकते हैं, इस धुन को बजाएं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में लाभ मिले, मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए मैं टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। इस धुन को कैसे बजाना है, इसका स्केल है पहली काली, इंग्लिश में बोलेंगे सी शार्प माइनर स्केल। इसमें स्वर क्या मैंने प्रयोग किए हैं, देखें, सा रे, गा कोमल है, मा पा धा, नी कोमल है, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का रे, यहां तक स्वरों का प्रयोग इसमें किया गया है। एक बार फिर से स्वर देखें, क्या नोट्स लगेंगे इस धुन में, सा रे गा कोमल, मा पा धा नी कोमल, तार सप्तक का सा, तार सप्तक का रे, यहां तक स्वर प्रयोग किए हैं। इसको मैं 3 फ्रेज में कवर कर रहा हूं, यानी 3 भाग हैं इसके। पहला भाग देखें, सा रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे सा। इसमें गंधार और निषाद, ये दो स्वर हैं, ये कोमल प्रयोग किए गए हैं, गा और नी, ये दो स्वर कोमल हैं। इट मींस ये ठाट काफी बनता है और ताल कहरवा है, जो कि 8 मात्रा की ताल होती है, 4-4 मात्राओं के विभाग 2। तो पहला फ्रेज में बता रहा था आपको, सा रे गा मा, गा कोमल है, सा रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे सा, पहला फ्रेज हो गया। दूसरा फ्रेज देखें, दूसरा फ्रेज पा से शुरू होगा, पैदा नी सा रे सा नी दा पा पा, पैदा नी सा, 4 मात्राएं, रे सा नी दा, 4 मात्राएं, सा नी दा पा, 4 मात्राएं, और उसके बाद पा, पा के ऊपर यहाँ 3 मात्रा काल बढ़ाना है, जैसे पहले फ्रेज में सा के ऊपर आखिर में 3 मात्रा काल बढ़ाया था, उसी तरह से अब हमें पा के ऊपर दूसरे फ्रेज में 3 मात्रा काल बढ़ाना है। कैसे, पैदा नी सा रे सा नी दा पा पा आ आ आ, इस टाइप से। और फिर तीसरा फ्रेज क्या है, हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पहला फ्रेज 2 बार बजाया जाएगा, दूसरा फ्रेज 2 बार बजाया जाएगा, अब तीसरा फ्रेज देखें, पानी धा पा मा गा रे गा पा मा गा रे सा, पानी धा पा, 4 मात्राएं, मा गा रे गा, 4 मात्राएं, पा मा गा रे सा, पा मा गा रे, 4 मात्राएं, और सा के ऊपर फिर 3 मात्रा बढ़ा देनी, तो ये 4 मात्राएं यहाँ पूरी हो जाएंगी इस तरह से। तीनों फ्रेज देखें एक बार, बजा के बताता हूँ, सा रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे सा, पा दा नी सा रे सा नी दा पा पा, पा दा नी सा रे सा नी दा पा पा, पा नी दा पा मा गा रे गा पा मा गा रे सा। ये 3 फ्रेज बजा दिए मैंने,
और तीसरा फ्रेज जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में आप पहला फ्रेज बजाएंगे, सा रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा रे सा। जब कोई एंड होता है तो पहला फ्रेज ही बजाया जाता है बाद में रिपीट करके। तो ये तीनों फ्रेज आपके तैयार हैं। एक बार ताल के साथ फिर बताता हूं आपको। ताल कहरवा जो मैं बजा रहा हूं इसका टेम्पो 160 बीपीएम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये धुन को आप अच्छे से बजाना सीख लेंगे, और यदि आपको रियल में म्यूजिक भजन के बीच में म्यूजिक का टुकड़ा बजाना नहीं आता है तो मेरे आप चैनल पर देखिए, एक प्लेलिस्ट है और उसमें म्यूजिक है, बेस्ट म्यूजिक फॉर स्टेज प्रोग्राम। इसके अंदर आपको सैकड़ों इस तरह की धुनें मिलेंगी। आपने अगर देख लिया चैनल मेरा और आप धुन बजाना जरूर, मैं वायदा करता हूँ 100% आप गाने के बीच का म्यूजिक बजाने लगेंगे। ये रागों पर आधारित, बहुत सारी ठाट और राग पर आधारित मैंने धुनें बनाई हैं, तरह तरह की धुनें, एक से एक बेहतर धुनें, तो आप आसानी से गाने का बीच का म्यूजिक बजाना सीख जाएंगे इजिली। दोस्तों मेरे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें और लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये धुन कैसी लगी। इसी के साथ मैं अपना ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।